है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। आपने उत्तर प्रदेश में अक्सर सुना होगा और देखा होगा कि कच्ची शराब के सेवन से हजारों की मात्रा में लोगों की जानें जा चुकी हैं, तो कई लोग अंधे भी हो चुके हैं। लेकिन जनपद मैनपुरी में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से इस अवैध कारोबार की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं जो उखड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। आइए हम आपको करवाते हैं उस हकीकत से रूबरू जिसके चलते जनपद मैनपुरी में भी शराब पीने से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन यह अवैध शराब का कारोबार है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए हम आपको ले चल रहे हैं थाना वेवर क्षेत्र के पीहड़ इलाके में, जहां कच्ची शराब का कारोबार कुटीर उद्योग की तरह बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। तो गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जहां दो व्यक्ति जहरीली अवैध शराब की भट्टी का संचालन कर रहे हैं। जनपद कुरावली के क्षेत्र में यहां पर भी अवैध शराब कारोबार का बोलबाला है। जैसे ही मीडिया की टीम इन शराब की भट्टियों तक पहुंची, वैसे ही शराब कारोबारी मीडिया कर्मियों को देखकर भाग जाने में सफल हुए। यह आलम जनपद के दो थानों का नहीं बल्कि पूरे जनपद में सभी थाना क्षेत्र के इलाकों में चला है। जब मीडिया की टीम कच्ची शराब का स्टिंग करने एक थाना क्षेत्र में घुसी तो वहां पर एक अवैध शराब कारोबारी को धर दबोचा। तो इस कारोबारी ने मीडिया कर्मियों से किस तरह से बात की, तो गौर से सुन लीजिए। यह कारोबारी मीडिया कर्मियों को सुविधा शुल्क देने की बात करने लगा तो उसने पुलिस की भी पोल खोल दी। इस कारोबारी का कहना है कि वह इलाके के थाने से संबंध रखता है, जहां उसे 20 से लेकर 25,000 रुपए प्रतिमा महामंदी देकर धंधा करता है। और तो और यह भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर रिपोर्ट हो भी जाएगी तो भी उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस कारोबार में पुलिस कर्मी भी शामिल है। देखो मेरे अगर मैं अगर पकड़ को बच लिया साले तो है कि हमारा कुछ ना हो वैसे ज्यादा मेरे कैमरा में कह दे हम तुम ना ना कुछ नहीं नहीं जे तो तुम भूल जाओ। अच्छा ऐसा कितना लेते हो तुम्हारे दादा? ईमानदारी छुपा ना रे, हम थाने में रुपए देते ईमानदारी से 20,000 के लिए अपने सोन मरवाना 2,000 रुपए दे, मतलब 25,000 रुपए मैंने खर्चा है। अच्छा जो बात है वो हकीकत है ना, छुपाते हैं 25,000 देते हैं। इतना चला जाता है? इतना पूरा देते हैं, कैश देते हैं मैंने। तो उनकी जिम्मेदारी तो रहती होगी? हाँ पूरी फुल जिम्मेदारी। फोन ऑन कर देते होंगे अगर कोई बाहर से आता होगा तो? ऐसा करो ना कि कैमरा में कहते हैं। अरे ना यार छोड़ो तुम, ये बात है यार। दारू बिकती है, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? तो ये बताइए यहाँ पे जो आपके आदमी भी पीते हैं? अच्छा यहाँ बैठता कौन है? क्या नाम है उसका? अच्छा तो यहाँ पुलिस नहीं आती पकड़ने? कोई ना पुलिस लोग आते हैं। क्यों पैसा ऐसा देते हैं क्या पुलिस को? पता नहीं पैसा दे दो मालूम, लेकिन बिकती रोज है। बिजली तो रोज बोरी भर भर बिक रही है, रोज रोज बिजली एक बोरी रोज आते हैं। हमारे तो घर में कोई पीते नहीं, जो पड़ोसी पीते हैं वो रोज लड़ाई करा। अच्छा 12-1 बजे तक लड़ाई करा तो ना किसी को आराम से सोने देते, बहुत गंदी गंदी गाली पकड़। कब से बिकती है शराब, कब से बिक रही है? पीने वाले तो इनसे कमलपुर तक मनिया तो पी पी के आप जगह में बंद करवा जाओ। तुम यहाँ पे जो ना बिकती कौन बेचता है, कुछ जानकारी है यहाँ पे? ये एक जना गांव की बेचा था, ये आपकी गांव की बेचा? रोज बिकती है रोज। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? फंक्शन है। कहाँ से लाए ये शराब? कौन बिक्री करता है? कितने रुपए की आपको ये एक बोतल दे रहे हैं? 50 रुपए की एक बोतल। कितने दिनों से ला रहे हो आप? नहीं नहीं आज आए हैं, फंक्शन है घर पे था। तो कच्ची दारू लिए आए हो? कच्ची दारू लेके आ रहे हो? फंक्शन में शराब पिलवाते हो? भटिया बैठे लोग बिनने। ये चीज आपको पता होना चाहिए, कच्ची शराब से कितने लोग मर चुके हैं अभी तक उत्तर प्रदेश में? भटिया बैठे लोग बिनने कहीं ले आओ ना। चलो तो अच्छा ये बिक्री कौन कर रहा है यहाँ पे? लाखन। लाखन कहाँ के निवासी हैं?